गुड मॉर्निंग टू यू स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में तो आज हम देखने वाले हैं पैसिव कंपोनेंट इज तो इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर होते हैं बेसिकली तो ज्वाइन करें सभी ज्वाइन इट जल्दी से ज्वाइन करें दिन मे विल स्टार्ट ज्वाइन करिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रा छात्राएँ ज्वाइन कर सकें कुंदन चौहान यशपाल गौतम अंकुर विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग सभी को अंकित यादव ज्वाइन कीजिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए बस कुछ ही मिनटों में स्टार्ट करने वाले हैं Yes. चलिए हम देख पा रहे हैं प्रिया सिंह अंकित यादव शिवा मौर्या नितिश चौहान गुड मॉर्निंग कावेरी प्रजापति विकास यादव निकेश राजभर जागृति यादव स yes, पूजा यादव सभी को गुड मॉर्निंग चलिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में शेयर कर दे दे स्टार्ट करेंगे तुरंत शेयर इट तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट देखते हैं लेट्स सी पवन यादव गुड मॉर्निंग अब तो समय से ज्वाइन करें ठीक है चलिए शुरू करते हैं ओके लेट्स सी सो लेट्स सी द कंटेंट आज हम कंटेंट देखने वाले हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज हम देखने वाले हैं पैसिव कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट देखे थे लास्ट क्लास में लास्ट क्लास अगर नहीं दिया है क्या बोलते नहीं देखा है तो बेसिक देख लें आज हम देखने वाले हैं स्टडी आप डिफरेंट रजिस्टर चूंकि सिलेबस का पार्ट है डिफरेंट रजिस्टर है आपका इंडक्टर है आपका कैपेसिटर है आपका है ना तो प्रतिरोध है आपका और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है ना प्रेरक और आपका संधारित्र तो तीन प्रकार की चीजें होती हैं स्वाति उपाध्याय गुड मॉर्निंग विकास शर्मा गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग है ठीक है ज्वाइन करते जाएं सो दैट इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस आईटी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट कोर्सेज अगर मैं पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट वन है आपका ई जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में रन करता है दूसरा सब्जेक्ट है आपका बी बेसिक आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस आई टी एम जाता है और एक और जो है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का पार्ट है ये सब छात्र छात्राएं इसे ज्वाइन कर करके इससे लाभ ले सकते हैं जो भी इसका पार्ट का कंटेंट है साक्षी तिवारी ऋषभ कुमार आप लोग को भी गुड मॉर्निंग तो चलिए देखते हैं आज का कंटेंट देखते हैं लेट्स सी द कंटेंट कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम देखेंगे बेसिक्स आप रजिस्टर रजिस्टर का बेसिक देखेंगे और देख उसके बाद देखेंगे हम उसके टाइप्स और कंस्ट्रक्शन डिटेल आप कार्बन फिल्म देखेंगे मेटल फिल्म देखेंगे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर वायर उन रजिस्टर वेरिएबल टाइप रजिस्टर तो बेसिकली वेरिएबल टाइप रजिस्टर में जो होते हैं वो होते हैं रीसेट होता है पोटेंशियो होता है रेस्टोर्ड होता है है ना ये बेसिकली इसमें जो होते हैं ये तीनों पार्ट होते हैं देन हम देखेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर ठीक है रजिस्टर में कलर कोडिंग है ट्वेल्थ क्लास में पढ़ चुके हो इसको लेकिन इसको फिर से हम लोग डिफाइन कर देंगे क्योंकि कोई बच्चे जो है हाई स्कूल करके भी आए हैं तो बेसिकली कभी कभी पता नहीं रहता है रजिस्टर का तो इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख चुके मतलब देख सकते हैं हालांकि आप लोग ये देख चुके हैं कलर कोडिंग आप रजिस्टर बेसिकली जो कलर कोडिंग है कलर कोडिंग का जो मतलब रजिस्टर कलर कोडिंग होता है तीन बैंड होता है चार बैंड होता है उसमें बेसिकली पांच बैंड और छह बैंड अलग अलग बैंड के रजिस्टर होते हैं तो इनके स्पेसिफिकेशन वगैरह अलग अलग होते हैं तीन बैंड में क्या है चार में क्या है पांच में क्या है छह में क्या है उसको लाइन टू लाइन देखेंगे कलर कोडिंग का फार थ्री फोर फाइव सिक्स बैंड रजिस्टर्स वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर एक टाइप का जो रजिस्टर है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है कुछ और रजिस्टर होते हैं को बोलते हैं आपका थर्मिस्टर भी होता है इसी में तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर चूंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए इसको हम लोग लिए हुए हैं पिक किए हुए हैं देन उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पी डी आर दट इज वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारे आज के कंटेंट है आज का जो पार्ट है उसको ये है ठीक अगर आप कॉपी मैंग भारद्वाज गुड मॉर्निंग और अपने साथ कॉपी और एक पेन ले सकते हैं ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिजिटल का जमाना है डिजिटल इंडिया है ना तो जो भी आपको जो है कंफर्टेबल लगे बट क्या है कि एक प्रैक्टिस रहेगा गुड प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में आपका हाथ बहुत अच्छे से चलेगा एक हैबिचुअल हैबिट रहेगा ना तो सही रहेगा हैबिचुअल रहेंगे किसी चीज़ का तो जो मीन दैट इज वेल एंड बेटर चलिए तो पैसे कंपोनेंट पैसे कंपोनेंट का परिभाषा देख लेते हैं पैसे कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली है ना तो दीज कंपोनेंट बाय देम सेल्फ आर नॉट मींस आर नॉट कैपेबल ऑफ़ एम्प्लीफाइंग और प्रोसेसिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो ये असमर्थ होते हैं नॉट केपेबल है ना असमर्थ होते हैं क्या चीज़ के लिए असमर्थ होते हैं एम्पलीफाई करने के लिए किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए या एम्प्लीफाई करने के लिए ये कम्पोनेंट असमर्थ होते हैं खुद से एम्प्लीफाई नहीं कर पाते हैं गौरव गुड मॉर्निंग सालिनी विश्वकर्मा है हमारे साथ गुड मॉर्निंग आप लोग समय का ध्यान दें जो है समय से ज्वाइन करें ठीक है वह तो पाँच मिनट का जो है थोड़ा सा बस मार्जिन ले लें दस पाँच जो है दस पाँच दस दस तक आ जाएँ आप लोग तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा कोऑर्डिनेशन में सो so, इसका जो परिभाषा है कि दिस कम्पोनेंट्स बाई देल्फ आर नॉट केपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग और प्रोसेसिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो किसी भी एन किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने या फिर प्रोसेस करने के लिए ये समर्थ नहीं होते हैं सो दिस इज द डिफिनेशन फॉर पैसिव कॉम्पोनेंट तो बेसिकली पैसि कॉम्पोनेंट में होता है रजिस्टर्स कैपेसिटर्स इंडक्टर्स इसको आर से डिनोट करते हैं कैपेसिटर सी से डिनोट करते हैं इंडक्टर्स को एल से डिनोट करते हैं आर कार्ड पैसिव कॉम्पोनेंट इसके साथ कुछ कुछ सेंसर्स भी हम लोग ले सकते हैं दे आर 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 एग्जाम्पल्स फॉर पैसि कंपोनेंट तो पैसि में नॉर्मली जो लिया जाता है वो लिया जाता है आर एल सी कुछ सेंसर्स आर पैसि कंपोनेंट कार्टून किट्स हमारे साथ है गुड मॉर्निंग ठीक है चलिए आगे देखते हैं हाउर दिस कंपोनेंट्स आर एज इम्पॉर्टेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज एक्टिव कंपोनेंट तो एक्टिव कंपोनेंट बेसिकली ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं द कंपोनेंट्स आर विदाउट द एड ऑफ़ दिस कम्पोनेट्स और ट्रांजिस्टर के नॉट बी मेड टू एम्प्लीफाई सिग्नल बिना आर एल सी के ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफाई करने में समर्थ होता है मतलब असमर्थ होता है समर्थ नहीं होता है तो जो हम हम लोग जो बी जे टी लेंगे बाईपोलर जंक्सन ट्रांजिस्टर लेंगे उस ट्रांजिस्टर के साथ हमको किसी न किसी रूप में रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर को जो है उपयोग करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से सिग्नल को क्या कर सके प्रवर्धित कर सके एम्प्लीफाई कर सके तो दिस कम्पोनेंट आर एज इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण कम्पोनेंट होते हैं इसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये जो कंपोनेंट होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनके बिना जो ट्रांजिस्टर है विदाउट द एड ऑफ दिस कंपोनेंट्स द ट्रांजिस्टर के नॉट मेड बी एम्पलीफाई सिग्नल एम्पलीफाई नहीं कर पाता है तो ट्रांजिस्टर को इन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सिग्नल को एम्प्लीफाई कर सके ओके okay? <coughs> तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रजिस्टर की एग्जाम्पल रजिस्टर देखने में कैसे होता है बोलने से कुछ इस टाइप का रजिस्टर होता है इसको देखे होंगे है ना लैब वगैरह में नहीं देखे होंगे तो लैब वगैरह में जाकर देख लीजिएगा रजिस्टर वगैरह ये इन एक्सपेंसिव होते हैं ठीक है एक रुपया दो रुपये के आसपास आते हैं रजिस्टर वगैरह दूसरा कैपेसिटर है अपना तो कैपेसिटर कुछ इस टाइप के देखने होते हैं जो भी आईसी वाईसी के प्लेट व्लेट निकालोगे टी वगैरह के आई वगैरह के है ना जो भी पैनल वगैरह निकालोगे तो कुछ इस टाइप के कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं तो ये बेसिकली कैपेसिटर होते हैं कुछ सेंसर्स वगैरह होते हैं नॉर्मली इम्बेड सिस्टम का जमाना है आजकल माइक्रोकोसर माइक्रो कंट्रोलर के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए सेंसर की ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल अगर आप बिग बाज़ार जाते हैं तो बिग बाज़ार वगैरह मॉल वगैरह जाते हैं तो ये ग्लास लगा रहता है तो ग्लास लगा रहता है तो ये क्या करता है मोशन को डिटेक्ट करता है तो इंसान यहाँ से जाता है जैसे इसका फुट स्टेप को चेक कर वो तक रहेगा तो कुछ इससे रेंज रहेगा तो रेंज रहेगा तो ये डिटेक्ट कर लेता है तो इसमें पर्टिकुलर एक सेंसर लगा होता है जिसके हिसाब से दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है देखे हो उसके बाद जाने के कुछ समय के पश्चात तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है क्योंकि कोई मूवमेंट उसको ट्रेस नहीं होता है तो ये एक जो ये है एक प्रकार का सेंसर होता है जो सेंसर लगा रहता है तो बेसिकली सेंसर भी इसमें आते हैं जो कि पैसिव कम्पोनेंट होते हैं और उसके साथ साथ इंडक्टर होता है नॉर्मली ट्रांसफार्मर वगैरह में जो भी क्वाइल का ये है ना तो ये सब बेसिकली पैसिव कंपोनेंट के बेसिक्स थे तो पैसिव कंपोनेंट के बेसिक में हम लोगों ने देखा रजिस्टर कैपेसिटर सेंसर कुछ और इंडक्टर डिज आर बेसिकली आगे मूव करते हैं आज का हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा रजिस्टर आने वाले क्लास में देखेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर तो आज हम देखने वाले हैं रजिस्टर तो मेन हमारा कंसंट्रेशन है रजिस्टर तो रजिस्टर देखते हैं प्रतिरोध हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिरोध प्रतिरोध एक चीज और यहां पे मैं क्लियर करने जा रहा हूं इसका जो है कब होता है रजिस्टेंस तो किसी भी प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का गुण जिस्टेंस तो रजिस्टेंस नहीं बोलना है रजिस्टर बोलना है ठीक और स्पेलिंग याद कर लो आर ई एस आई एस टी ओ आर ये रजिस्टर नहीं ये रजिस्टर नहीं ये दूसरा रजिस्टर होता है जो माइक्रोप्रोसेसर में यूज होता है रजिस्टर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं विप्लव दत्ता गुड मॉर्निंग एल <coughs> एम थर्टी फाइव टेम्परेचर सेंसर यस वो टेम्परेचर को सेंस करेगा एल एम थर्टी फाइव जो आप बोल रहे हैं ठीक है धीरज गुप्ता सत्य प्रकाश विवेक प्रताप आप लोग का जो है समय से एक बार जो है ज्वाइन कर लें अगर जो है समय नहीं हो तो आ, मतलब आपको अगर डेली डेली ज्वाइन करना है तो समय का विशेष ध्यान करें ज्वाइन करके आप इससे लाभ ले सकते हैं ठीक तो ये रजिस्टर नहीं है ये रजिस्टर माइक्रोपोस्टर वगैरह का रजिस्टर है और रजिस्ट्रेशन वगैरह में रजिस्ट्रेशन है कोविड का रजिस्ट्रेशन चल रहा है आजकल है ना उसी टाइप का रजिस्टर है ये और ये रजिस्टर डिफरेंट है ये है ना पासिक जो है पैसे कॉम्पोनेट वाला रजिस्टर ये तो गलती ना करें है ना तो जो ये जो रजिस्टर का एक गुड़ जो होता है उसको बोलते हैं रजिस्टेंस तो रजिस्टेंस नहीं बोलना है कोई कंपोनेंट के लिए रजिस्टर का प्रयोग करना है रजिस्टेंस क्या है प्रतिरोधकता उसका गुड़ प्रतिरोधकता ओके okay, क्लियर अनिल गुप्ता गुड मॉर्निंग ठीक आगे बढ़ते हैं रजिस्टर को परिभाषित कर देते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपका जो बुक है आपका जो रेफरेंस बुक है उसमें जो है मतलब रिफरेंस बुक में जा सकते हैं उसमें है, उस है भार्गवा एंड कुलसेस्टा करके बेसिक आप लीनियर सर्किट करके है भार्गवा एंड कुलसेस्ट उसी से लिया गया है ये वाला जो पार्ट है ओके सॉरी तो द फ्लो ऑफ चार्ज और करेंट थ्रू एनी मटेरियल इनकाउंटर्स एंड अपोजिंग फोर्स That is similar in in many respect to mechanical friction. This opposing force is called resistance of material. Standard definition है गूगल करके अलग अलग बुक से अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग डेफिनेशंस भी मिल सकता है तुमको बट बट क्या है कि ये जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि लिया गया है आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कि द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू एनी मटेरियल एनकाउंटर्स एंड एन अपोजिंग फोर्स सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट टू तो मैकेनिकल फ्रिक्शन दिस अपोजिंग फोर्स इज कार्ड द रजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अर्थात हिंदी में समझने के दृष्टिकोण से किसी भी सामग्री के माध्यम से आवेश या धारा का प्रवाह यांत्रिक घर्षण के समान कई मामलों में एक विरोधी बल का सामना करता है इस विपरीत बल को पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि किसी भी सामग्री के माध्यम से जब उसमें आवेश या धारा का प्रवाह होता है तो जो घर्षण होता है यांत्रिक घर्षण जिसको मैकेनिकल फ्रिक्शन बोलते हैं उसी के समान कई मामलों में <coughs> मेनी केसेस एक विरोधी बल का सामना करता है इससे विपरीत बल को पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं और उसके गुण को प्रतिरोधकता कहते हैं दट इज कॉल रजिस्टेंस रजिस्टर रजिस्टेंस प्रतिरोध प्रतिरोधकता ये क्लियर होना चाहिए इट इज मेजर्ड इन जो है ओम में मेजर किया जाता है ये ओम्स का सिंबल है सिंबल ओम, ग्रीक ग्रीक लेटर, लेटर का प्रयोग किया जाता है जो एक पर्टिकुलर ग्रीक लेटर है ये इसका प्रयोग किया जाता है ओम का है ना? ठीक ये जो है कार्टून में है ये वोल्टेज है ये वीक्वल टू आर आई है ओम्स ला है देखियोगे वीक्वल टू आर आई करके होता है प्रोफोशनल टू आई वीक्वल टू आर I, वेर आर इक्वल टू वी वाई आई आर इज कल्ट डिस्टेंस ओके तो यहाँ वोल्टेज यह ampere है current को क्या कर रहा है ये बांध के रखा हुआ है जाने नहीं दे रहा है ये कौन है ओम साहब भैया ये volt है ये, ये, ये एम्पियर है लिखा हुआ है ओके okay? तो कार्टून में, में कुछ टाइप का भी समझ सकते हैं है ना विरोध कर रहा है ये अर्जुन यादव गुड मॉर्निंग ये विरोध कर रहा है ना तो ये कुछ कार्टून में इस टाइप का भी समझ सकते हैं इस चीज़ को टाइप्स ऑफ रजिस्टर देखते हैं टाइप तो रजिस्टर के बेसिकली प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं प्रतिरोध के प्रकार गोविंद कुमार समय से ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग समय तो का विशेष ध्यान रखें आप लोग सिक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहेंगी कुछ डाउट वगैरह है तो फिर पूछ पाएंगे अच्छे से चलिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स तो प्रतिरोध के प्रकार प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं तो प्रतिरोध बेसिकली दो प्रकार के होते हैं फिक्स्ड प्रकार के और वेरिएबल प्रकार के फिक्स्ड मतलब जिसका वैल्यू परिवर्तित नहीं होता है जिसका मान एक समान रहता है वेरिएबल मतलब जिसका मान परिवर्तित कर सकते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मान ले सकते हैं बट फिक्स्ड में जो भी एक मान रहेगा वही मान रहेगा वेरिएबल में परिवर्तित होता रहेगा तो ये बोल सकते हैं अपरिवर्तन या फिक्स्ड और ये परिवर्तित या फिर वेरिएबल ओके okay? इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बात करूँ तो इसमें है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कार्बन फिल्म रजिस्टर मेटल फिल्म रजिस्टर और वायर उन रजिस्टर इसको बेसिकली वन बाई वन करके उसका बेसिक देखेंगे गुप्ता गुड मॉर्निंग प्रिसेट और पोटेंशियो मीटर यह वेरिएबल टाइप के रजिस्टर होते हैं जिसको बोला जाता है प्रीसेट और पोटेंशियो और इसके साथ साथ रेहोस्टेड का भी प्रयोग किया जाता है राज यादव मॉर्निंग अमेरिकन स्टैंडर्ड और आईसी स्टैंडर्ड दो प्रकार के स्टैंडर्ड बेसिकली उपयोग किए जाते हैं जो भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के लिए उसके स्टैंडर्ड्स के लिए दो प्रकार के स्टैंडर्ड नॉर्मली उपयोग किए जाते हैं एक को अमेरिकन स्टैंडर्ड बोला जाता है और दूसरे को आईसी स्टैंडर्ड बोला जाता है यह साक्ष्य तिवारी दो प्रकार के होते हैं यस यस पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर होता है विपलब्धता द पोटेंशियोमीटर इज वेरिएबल रजिस्टर जो कि यहाँ पे है प्रीसेड एंड पोटेंशियोमीटर इज वेरिएबल रजिस्टर तो जो रजिस्टर है बेसिकली ये रजिस्टर अमेरिकन सिंबल है और वहीं रजिस्टर को कुछ इस टाइप का यूज़ करते हैं इनके साथ आप आई सी सिम्बॉल तो हम लोग रजिस्टर को कुछ इस टाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं मतलब उसका सिंबल बना सकते हैं या फिर इस टाइप का भी सिंबल बना सकते हैं बोथ आर राइट दिस इज कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड द फ़र्स्ट वन इज कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड द देंड वन इज कॉल्ड आई ई सी स्टैंडर्ड द फुल फॉर्म ऑफ आई जी आई ई सी इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन गूगल करके देख सकते हो वाट इज आई ई सी अगर इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आई को इंटरनेशनल टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है सॉरी कमीशन जो है उसको आप गूगल करके इसके बारे में बेहतर जानकारी एकत्र कर सकते हैं बट ये जानिए कि दो प्रकार के स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है कंपोनेंट्स के मिथ सिंबलाइजेशन के लिए मंजीत चौहान गुड मॉर्निंग सचिन प्रजापति गुड मॉर्निंग समय का ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए दस बजे तक, तक आ जाइए समय का ध्यान दीजिए तो सबसे पहले हम रजिस्टर है ये ये, ये रेजस्टेड का सिंबल है और ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है तो उसी टाइप का ये रजिस्टर है ये रजिस्टर्ड है और ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है तो डिफरेंट डिफरेंट ये है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रजस्टेट के लिए और ये आपका पोटेंशियोमीटर के लिए तो वन बाई वन देखेंगे कि रजिस्टर वगैरह क्या होता है मूव करते हैं आगे फिक्स रजिस्टर सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स रजिस्टर तो फिक्स रजिस्टर क्या होता है कि द मोस्ट कॉमन आप लो वोल्टेज लो अटैच सॉरी फिक्स टाइप रजिस्टर इज कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर फिक्स रजिस्टर ऐसा रजिस्टर जिसमें रजिस्टेंस की वैल्यू जिसमें रजिस्टेंस की वैल्यू अब फिक्स रजिस्टर तीन टाइप का होता है ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं लेकिन जो है पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फिक्स रजिस्टर होते हैं इस टाइप का कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि तीन प्रकार का होता है जागृति यादव इसमें कार्बन कंपोजिशन भी है कार्बन फिल्म ही मेटल फिल्म भी है वार उन्ड भी है अलग अलग प्रकार के भी फिक्स रजिस्टर होते हैं उसको देखेंगे वन बाई वन ठीक चलिए तो कार्बन कंपोजिशन का देख रहे हैं द मटेरियल इज आप कार्बन कार्बन का क्ले होता है कार्बन की मिट्टी होती है क्ले मतलब बेसिकली मिट्टी होता है तो कार्बन की मिट्टी से कार्बन के धूल से कार्बन के डस्ट से ये बेसिकली बनाया जाता है ओके द लीड आरमेड आप टिन कॉर्बन टिन मतलब होता है पतला कॉपर मतलब होता है कॉपर है ना तांबा तो पतला तांबा होता है इसका जो जो भी लास्ट का जो लीड होता है वो पतला तांबा होता है इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं देखिए ये है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके कलर कोड और ये अंदर में कार्बन की मिट्टी भरी हुई है कार्बन कंपोजिशन इंसुलेटिंग कवर है ये और ये लीड है जिसको मैं बोल रहा हूँ ये लीड किससे बनाया होता है बोलने से पतले तांबे से बना होता है बेसिकली जनरली तांबे का प्रयोग करते हैं और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है रजिस्टर ऑफ़ दिस टाइप आर रीडली अवेलेबल इन वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ओम से टू ट्वेंटी टू मेगा ओम ओके okay, तो ट्वेंटी टू मेगा ओम जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा तो आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा नॉर्मल रूप में बोलू तो जैसे ही प्रतिरोध का वाटेज वगैरह बढ़ते जाएगा उसका उसके हिसाब से उसकी साइज बड़ी बड़ी होती जाएगी और छोटा अगर उसका मान रहेगा छोटा वाटेज वैल्यू रहेगा तो उसका साइज छोटा रहेगा ओके okay? तो ये कहाँ से कहाँ तक रेंज तक बोल सकते हैं बोलने से 22 मेगा ओम तक बोल सकते हैं और हेविंग टोलरेंस रेंज आप पाँच से लेकर के बीस परसेंट टोलरेंस देखेंगे आने वाले अभी स्लाइड में अभी क्लियर हो जाएगा पाँच से बीस परसेंट अगर कलर कोडिंग पढ़े होगे तो पता होगा कि टोलरेंस नॉर्मली पाँच परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट लिया जाता है है ना गोल्ड सिल्वर नो कलर गोल्ड और सिल्वर नो कलर अगर चार ब्रैंड के रजिस्टर की बात करूँ तो ठीक है दे आर क्वाइट इन एक्सपेंसिव ये महँगे नहीं होते हैं ये सस्ते होते हैं ये रजिस्टर में कॉस्ट ओनली रुपी एक रुपया में एक रजिस्टर नॉर्मली मिल जाता है

तो जो भी इसका वाटेज रेटिंग रहेगा उस वाटेज रेटिंग के सांथ सांथ साथ साथ इसका साइज बढ़ते जाएगा जितना ज़्यादा वाटेज रेटिंग रहेगा उतना साइज बड़ा रहेगा वाटेज उसका वाटेज रेटिंग कम रहने पर चूंकि पॉइंट मेंशन है कि चेंज विथ वाटेज रेटिंग या पावर रेटिंग उसके पावर रेटिंग के हिसाब से फिक्स्ड फिक्स्ड और वेरिएबल साइज के रजिस्टर का जो साइज है वो वेरी करेगा इधर बड़ा होगा या फिर छोटा होगा ठीक आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कार्बन और मेटल ओ कार्बन कंपोजिशन था दूसरा हम देख रहे हैं कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म रजिस्टर दो प्रकार के रजिस्टर और हैं नो कलर में बीस परसेंट जागृति यादव वेरी गुड तो कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म रजिस्टर क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं सोलेट सी मोस्ट मेटल फिल्म रजिस्टर एंड कार्बन फिल्म रजिस्टर हैव ए सिमिलर अपेरेंस देखने में जो है दोनों को दोनों एक समान दबते हैं बट अंतर क्या होता है एंड सेप बट द की डिफरेंस बिटवीन मेटल फिल्म एंड कार्बन फिल्म रजिस्टर इज दैट मेटल फिल्म रजिस्टर यूजेज मेटल फिल्म मेटल फिल्म में मेटल का फिल्म मेटल का परत यूज़ करेंगे और टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट वेयर एज कार्बन फिल्म रजिस्टर यूजेज ए कार्बन फिल्म कार्बन फिल्म में कार्बन फिल्म का प्रयोग करेंगे मेटल फिल्म में मेटल फिल्म का यूज करेंगे मेटल का परत कार्बन का परत यही डिफरेंस है दोनों में जो, जो है चूंकि नाम से पूरा पूरा पतक है एक नाम में कार्बन लिखा हुआ है एक नाम में मेटल लिखा हुआ है तो एक में कार्बन फिल्म है और दूसरे में मेटल फिल्म है कार्बन फिल्म रजिस्टर मेटल फिल्म रजिस्टर तो कार्बन फिल्म रजिस्टर ऐसा रजिस्टर जिसमें कार्बन फिल्म का प्रयोग किया जाता है टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट और ऐसा रजिस्टर जिसमें मेटल फिल्म का प्रयोग किया जाता है उल्टा हो गया ये मेटल फिल्म का प्रयोग किया जाता है और इसमें कार्बन फिल्म का प्रयोग किया जाता है लिमिट द फ्लो ऑफ करंट कार्बन फिल्म में कार्बन फिल्म का प्रयोग करेंगे और मेटल फिल्म में मेटल फिल्म का प्रयोग करेंगे दोनों का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ये अपना कार्बन फिल्म रजिस्टर है कार्बन फिल्म रजिस्टर देख पा रहे जूम कर दे रहा हूँ एक नंबर देख पा रहे हो एक नंबर ये है एक नंबर में कलर कोड और बैंड है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड का और बैंड का प्रयोग किया जाता है हम लोग देखेंगे कि कलर कोड का, का प्रयोग क्यों करते हैं कलर कोड का प्रयोग क्यों करते हैं उसको देखेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे है हेलिक्सिंग या डिफरेंट डिफरेंट हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है ओके और तीसरे नंबर पे फिल्म है जो कि कार्बन फिल्म का प्रयोग किए हैं चूंकि कार्बन है कार्बन फिल्म का यूज किए हैं चार नंबर सब्सट्रेक्ट ओके इसका आधार होता है बीच में बेस होता है सब्सट्रेक्ट पांच नंबर में आइसोलेशन आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन का लेयर होता है और छह नंबर में टर्मिनेशन और लीड तो ये टर्मिनेशन ये कैप होता है समझ लो ये टोपी होता है कैप भी बोलते हैं इसको और यहाँ पे लीड होता है तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है यस जागृति यादव देखेंगे अभी ब्लैक एंड व्हाइट का क्या होता है करके ठीक है तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हुआ जूम आउट कर देता हूँ और एक बार दूसरा फिर देखते हैं मेटल फिल्म तो मेटल फिल्म में क्या होता है लेट्स सी यूजिंग द जूम तो मेटल फिल्म है मेटल फिल्म में एक नंबर लीड है ये दोनों तरफ लीड है और मेटल का कैप है समझ लो और दो नंबर में इंड कैप है इंड कैप आखिरी सिरा तीन नंबर में सिरेमिक है ओके ये बेसिकली इसमें सिरेमिक का यूज करते हैं मेटल फिल्म में चार नंबर मेटल फिल्म है देखो उसमें कार्बन फिल्म था इसमें मेटल फिल्म है मेन डिफरेंस यही है इसमें कार्बन फिल्म रहेगा इसमें मेटल फिल्म रहेगा इपेक्सी कोडिंग बाहर की कोडिंग को इप, क्या इम्पेक्सी कोडिंग भी बोलते हैं इसका नाम है और छः नंबर में कलर बैंड है डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड है तो जो डिफरेंस समझ में आ रहा है बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस होता है बेसिकली कि एक में कार्बन फिल्म का प्रयोग करेंगे और एक में मेटल फिल्म का यूज़ करेंगे इसमें कार्बन फिल्म है इसमें मेटल फिल्म है फिल्म की जगह में ठीक है ये तीन नंबर जो फिल्म है इसमें जो चार नंबर फिल्म है लिखा हुआ है मेटल फिल्म और इसमें खाली फिल्म लिखा है दैट इज बेसिकली कार्बन फिल्म सो दिस इज बेसिकली कार्बन एंड मेटल फिल्म रजिस्टर अब हम देखेंगे कि इसमें कलर कोडिंग का उपयोग क्यों करते हैं जस्ट आने वाले स्लाइड में है कि कलर कोडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है तो इसके बाद है वायर रजिस्टर। उन मतलब राउंड मारना का, वायर का राउंड करना इस हैं बताओ देखो ये वायर उन्ड देखेंगे इसका देखिए वन बाई वन ये दो प्रकार के अलग अलग अपेयरेंस है वायर के, के होते हैं एक को बोलते हैं प्रसिशन टाइप का फिर एक को बोलते हैं पावर टाइप का तो डिफरेंट डिफरेंट अपना डिजायरमेंट जो भी अपना यूजेज रहेगा उसके हिसाब से इसका चेंज होता रहेगा है, है ना तो देखो पहला पॉइंट अब वायर लेंथ ऑफ रजिस्टेंस वायर साइक्रोम नाइक्रोम नाइक्रोम वायर का प्रयोग करते हैं इसको उन्ड करने के लिए ओके

इसके बारे में और अगर जानना है ये जो है सिरेमिक एक पर्टिकुलर एक मेटल होता है द इंड ऑफ द इंड ऑफ दाइंडिंग आर अटैच टू मेटल पीसेस इंसर्टेड इन द कोर तो टिंड कॉपर वायर लीड्स आर अटैच टू दिस मेटल पीसेस तो जो मेटल पीसेस है उसमें भी टिंड मतलब पतला कॉपर का क्या है वायर लीड का प्रयोग किया जाता है जैसे कि हम लोगों ने कार्बन कंपोजिशन में ही देखा था

एक टाइप से बोले लेप चढ़ाएंगे कोट करेंगे कोट बोलते हैं ना दीवार में जैसे ये अपना जो है दीवार में जैसे करड़ा जाता है उसी टाइप का इसमें भी कोडिंग होगा इनेमल कोडिंग और वो किसका रहेगा पाउडर्ड ग्लास का रहेगा उसमें उसका लेप लगाएंगे उसमें उसका लेप लगाएंगे ठीक इट इज देन हीटेड टू डेवलप ए कोटिंग इस कोडिंग का नाम है विट्रेस ये देखो विट्रेस सिनेमल कोडिंग है सिरेमिक और विट्रेस सिनेमल कोडिंग जूम कर दे रहे हैं विट्रेस सिनेमल कोडिंग विट्रेस सिनेमल कोडिंग देखिए बाहर को ये हीट अप करने के बाद जो कोडिंग है उसको बोलेंगे सिरेमिक और विट्रेस विट्रेसिनेमल कोडिंग तो ये बाहर का परत बाहर का परत है यह नाइक्रोम का तार है स्पायरल वर्निंग और सिरेमिक का फॉर्मर है ये बोल रहे हैं ओके रेजिस्टेंस वायर टर्मिनेटेड है इसमें कॉपर वायर है उसी टाइप का यहाँ भी देख लीजिए इनेमल कोटिंग दिखा ग्रीन कलर का दिया है वायर उंड है वायर का उंड हुआ है ये टर्मिनल है लास्ट वाला अलग अलग टाइप के हिसाब से इसका अपेरेंस अलग अलग होता है माउंटिंग ब्रैकेट है ठीक है तो अलग अलग हिसाब से इसका अलग अलग इसका रिक्वायरमेंट होता है ओके ये वायर उंड रजिस्टर का यहाँ पे इस टाइप का दिखाई मतलब अपेरेंस मतलब दिखावट कैसे होता है उसका दिखता कैसे है ना तो ये ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा ओके जूमआउट करते हैं दिस कोटिंग इज वेरी स्मूथ एंड गिव्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू वाइंडिंग तो वाइंडिंग को इसमें मेटे मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलता है ठीक है ताकि ये बाहर से टूट उठ ना करके स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रोडक्शन मिलता है बचाव के लिए सुरक्षा के लिए बोल सकते हैं इस प्रकार की कोडिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि अंदर का मटेरियल खराब ना हो ठीक ताकि अंदर का मटेरियल खराब ना हो आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वायर ऊन रजिस्टर इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं तो बेसिकली इसका प्रयोग होता है टेली कम्युनिकेशन में कंप्यूटर में ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट्स मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंटेशन एट्सेट्रा अगर इसका अनुप्रयोग पूछा तो अनुप्रयोग पूछ सक मतलब लिख सकते हैं और डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ढाई नंबर का क्वेश्चन रहता है बेसिकली पाँच नंबर का क्वेश्चन रहता है बेसिकली तो किस मार्किंग में है उसके हिसाब से एप्लीकेशन उसमें अटैच कर सकते हैं अदरवाइज बेसिक क्लिक करके छोड़ सकते हैं है ना तो जो अपना ये है उसमें आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओके okay. तो ये अपना एप्लीकेशन हो गया वायरून रजिस्टर का आगे देखते हैं अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस तो एडवांटेजेस ऑफ वायरून रजिस्टर तो इसका जो कास्टिंग होता है वो लो कॉस्ट होता है बेसिकली <laughs> एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी होता है जैसे कि मैंने बताया कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं एक होता है प्रिसीजन टाइप का दूसरा होता है पावर टाइप का है ना इसको और अगर वो देखना चाहे तो वो ये कर सकते हैं सिरेमिक को लेकर के आप लोग बेसिकली मतलब ये हो रहा है क्ले अर्थन मटेरियल पावर एंड वाटर सेपिंग फॉर्म ये बेसिकली एक मटेरियल होता है फिर से कोई कमेंट किया है ये सिरेमिक की जो टाइप आप कैपेसिटर मेटल की तरह है वो मटेरियल की तरह होता है सालिनी विश्वकर्मा जो है सिरेमिक की जो टाइप ऑफ कैपेसिटर आई थिंक जो आप बोल रहे हैं वो एक मटेरियल है सिरेमिक उस कैपेसिटर में वो अटैच्ड हो सकता है जैसे कि विप्लव बोल रहा है ठीक है तो सिरेमिक कैपेसिटर सिरेमिक का है कि एक मटेरियल है समझ लो एक पदार्थ है समझ लो जो है सिरेमिक नॉट मेटल मटेरियल वी कैन से लाइक दैट ओके किससे किससे मिलकर और जो है सिरेमिक तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होता है ना किससे मिलकर बना होता है बोलने से जर्मनी आप क्ले अर्थन मेट अर्थन एलिमेंट और पाउडर और वाटर नाम तो सुनोगे सिरेमिक करके बाहर में जो है ओके तो ये सिरेमिक कैपेसिटर नहीं है रजिस्टेंस मटेरियल बोल सकते हैं इसको तो सिरेमिक इज जस्ट लाइक रजिस्टेंस मटेरियल ओके चल आगे बढ़ते ठीक तो ये जो एडवांटेजेस इसके हैं इसके लो कास्ट है हाई एक्यूरेसी है हाई स्टेबिलिटी है और वाइडर रजिस्टेंस रेंजेस है ये इसके एडवांटेजेस कुछ अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये वायर ओन रजिस्टर बेसिकली आर यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसीज इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में वायर ओन रजिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं ठीक इट हाई फ्रीक्वेंसीज इट एक्टर्स इंसुलेटर हैंज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी नॉन इंडक्टिव वायर ऊन रजिस्टर आर यूज ठीक है तो बेसिकली ये जो हाई फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टेंस टाइप का नेचर इसमें होता है तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे लो फ्रिक्वेंसी पे इसका प्रयोग किया जाता है चलिए आगे बढ़ने हैं वाई कलर कोडिंग आप रजिस्टर जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिरोध का कलर कोडिंग क्यों किया जाता है प्रतिरोध का कलर कोडिंग क्यों किया जाता है तो इसका जो आंसर है कि सम रजिस्टर्स आर लार्ज इन साइज टू हैव देयर हैजिस्टेंस इन ओम प्रिंटेड ऑन बॉडी कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं कुछ प्रतिरोध ऐसे होते हैं कि जिनका मान उनके बॉडी पे लिखा रहता है उस पर मैंसन रहता है कि कोई रजिस्टर अगर कुछ स्टेप का बड़े हैं इनफ मतलब इनफ फाइज का है कोई स्टेप का रजिस्टर ले लो चलो एग्जाम्पल के तौर पर तो इसमें इसका मान लिखा है कि चलो भाई 250 सौ पचास ओम है सौ ओम है करके प्रिंटेड है तो लिखा हुआ है कि सम रजिस्टर्स आर लार्ज इनफ इन साइज साइज में कुछ बड़े होते हैं ताकि उसमें हम क्या पढ़ पाए लिख पाए द बॉडी तो जैसे प्रिंट रहता है कोई भी सामान वगैरह लेंगे साबुन वगैरह लिए तो उसमें क्या है उसका सामान वगैरह उसमें प्रिंट है उसमें उसका प्रिंट है यस यस आइडेंटिफाई देयर वैल्यू एंड फंक्शन यस उसका आइडेंटिफाई कर सकते पहचान कर सके उसके वैल्यू को उसके फंक्शन को कि क्या क्या उसमें भाई पावर रेटिंग है कौन कौन सा वोल्टेज रेटिंग है है, 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 है उसके जो जो उस जो भी भी उस के उसमें दिया रहेगा, ठीक है।, है जो कि गौरव बोल रहा है ठीक है तो सम रजिस्टर लार्ज इन साइज कुछ रजिस्टर बड़े होते हैं साइज में लेकिन सम रजिस्टर दैट आर टू स्मॉल इन साइज टू हैव नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम तो कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जिनका साइज छोटा होता है और उस पर हम प्रिंट नहीं कर सकते उसका वैल्यू नहीं लिख सकते साइज में वो बहुत छोटे होते, है। होते हैं हावेर दे आर सम रजिस्टर दैट आर टू स्मॉल इन साइज साइज में बहुत छोटे होते हैं टू हैव नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम उसमें नंबर प्रिंट नहीं किया जा सकता है प्रिंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है समस्या हो सकता है कठिनाई हो सकती है उसमें लिखने में दिखेगा नहीं इस टाइप का सो देअर फोर अ सिस्टम ऑफ कलर कोडिंग इज यूज टू इंडिकेट दियर वैल्यू तो इस प्रकार के छोटे रजिस्टर्स में क्या किया गया कि कलर कोडिंग का प्रयोग किया गया ताकि उसकी कलर कोडिंग की सहायता से उसके मान को आसानी से हम लोग पहचान सके आसानी से हम लोग जान सकें तो कलर कोडिंग के पीछे कहानी यही है कि बड़े रजिस्टर में जो भी नंबर है जो भी वैल्यू है जो भी मान है उसको हम लोग उसमें प्रिंट कर सकते हैं लेकिन छोटे रजिस्टर में प्रिंट करने में समस्या आती है प्रिंट कर मतलब जो है प्रिंट नहीं किया है सकता है देयर फोर अम ऑफ कलर कोडिंग टू इंडिकेट देर वैल्यू इस प्रकार के छोटे रजिस्टर को प्रयोग किया गया हाँ हाँ वैल्यू देंगे वैल्यू देंगे उपलब्धता वैल्यू दिया जाएगा लास्ट में आपको वेल्यू दिया जाएगा अच्छी बात है आपकी इस थिंकिंग के लिए आपको जो है जो है पूरे टेन आउट ऑफ टेन आपको वैल्यू दिया जाएगा कलर डिनोट देयर वैल्यू स्पेसिफिकेशन ठीक है कलर कोडिंग के लिए वैल्यू दिया जाएगा चलो इसका कहानी जो है पता चल गया अब बोलते हैं कि फॉर ए माउंटेड कंपोजिशन रजिस्टर फोर कलर आर प्रिंटेड ऑन वन आउटर चेजिंग तो बेसिकली चार कलर कलर जो है फोर बैंडेडिंग का उपयोग किया जाता है जनरली बट तीन का भी होता है चार का भी होता है पांच का भी होता है छ का भी होता है ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कलर बैंड अवेलेबल है बट मार्केट में बेसिकली चार बैंड को उपयोग किया जाता है जनरली बोलूँ तो सामान्य रूप से ओके बट इसका मतलब ये नहीं कि केवल चार ही बैंड होते हैं तीन बैंड भी होंगे चार बैंड भी होंगे पांच बैंड भी होंगे छह बैंड भी होंगे उसको बेसिकली वन वन सिक्वेंस में देखेंगे तो द न्यूमेरिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ इच कलर इज आइडेंटिफाइड कोई भी जो भी कलर रहेगा उसका एक पर्टिकुलर उसका संख्यात्मक मान रहेगा उस संख्यात्मक मान को हम लोग उसका मीनिंग देखेंगे कि उस संख्यात्मक मान को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे

ये पहला बैंड ये दूसरा बैंड यह तीसरा बैंड या चौथा बैंड चार बैंड है ठीक तो ये राइट right है ये लेफ्ट है तो बोल रहा है कि द कलर बैंड आर ऑलवेज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट की तरफ रीड किया जाता है सबसे पहला बैंड इसको बोलेंगे दूसरा बैंड इसको बोलेंगे तीसरा बैंड इसको बोलेंगे चौथा बैंड इसको बोलेंगे ठीक यस यस कलर डिनोट देयर स्पेसिफिकेशन ओके वी कैन से लाइक दैट पवन यादव चलो हाउ कलर कोडिंग वर्क कलर कोडिंग कैसे काम करता है लेट्सी द फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट रिस्पेक्टिवली ऑफ द रजिस्टेंस वेल्यू तो जो पहला और दूसरा बैंड होता है वो रजिस्टेंस के पहले और दूसरे सिग्निफिकेंट डिजिट को मीनिंगफुल नंबर को डिनोट करता है अभी देखेंगे अभी देखेंगे जस्ट एक मिनट के बाद तो ये समझ लो कि उसका जो पहला और दूसरा बैंड होता है दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट को डिनोट करता है रिस्पेक्टिवली द रेजिस्टेंस वैल्यू जो उसके प्रतिरोध का मान होता है आगे देखो द थर्ड बैंड इज ए नंबर आप जीरो तो जो थर्ड बैंड है ये पहला बैंड दूसरा बैंड देख लिए ये नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट को डिनोट करता है ठीक है तो ए और बी लिख देता हूं अगर ये ए बैंड डिनोट करूं ये बी बैंड डिनोट करूं तो तीसरा बैंड बोल रहा है सी बैंड मान लो सी बैंड है तीसरा बैंड तो सी बैंड क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ जीरो जीरो हैं इसमें इसके बाद कितने जीरो हैं तो इन टू नंबर ऑफ जीरोस को मैं टेन के पावर में डिनोट कर सकता हूं जिससे हम अपने को जीरो मिल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करने के लिए बेसिकली टेन का पावर को हम लोग यूज करेंगे और वही होता है टेन का पावर ही होता है नंबर ऑफ जीरोस और क्या फॉर एग्जाम्पल टेन का पावर वन तो नंबर ऑफ़ जीरो टेन का पावर टू सॉरी नंबर ऑफ़ जीरोस वन और टेन का पावर टू हंड्रेड हो जाएगा तो हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ जीरोस का पावर थ्री नंबर ऑफ़ जीरोस थ्री लाइक दैट इसलिए उसको टेन के पावर में ले जाते हैं जो तीसरा बैंड होता है वो नंबर ऑफ जीरोस होता है ठीक दैट अलाउज द सेकेंड डिजिट है ना नंबर ऑफ जीरो मतलब सेकंड डिजिट कितना मतलब जीरो को कंटेन करेगा जीरो को कैरी करेगा इन केस द थर्ड बैंड इज गोल्ड और सिल्वर इट रिप्रेजेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो पॉइंट वन और जीरो पॉइंट जीरो बैंड गोल्ड डिनोट करता है या सिल्वर डिनोट करता है द समलॉक गुड़क है यस अर्थात टेन का पावर सी उसी को बोलना हूँ और ठीक है अच्छा बोल रहे हो सही बोल रहे हो ये द गुणक है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरा बैंड अगर गोल्ड हुआ तो जीरो पॉइंट वन लेंगे अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे और या फिर सिल्वर हुआ तो जीरो पॉइंट जीरो वन ये पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात है ओके ठीक आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और जो चौथा बैंड होता है चौथा बैंड किसी ने लिखा है जागृति यादव या टॉलरेंस होता है चौथा बैंड द फोर्थ मैन रिप्रेजेंट द मैनुफैक्चर टोलरेंस कुछ इसमें जो है मैन्युफैक्चर जो बनाता है निर्माण करता होता है कुछ त्रुटी वगैरह इसमें कर दिया रहता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में टोलरेंस होता है पाँच परसेंट से लेकर के बीस परसेंट का टोलरेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है जो कि एक पर्टिकुलर रजिस्टेंस के रेंज को डिनोट करता है अभी देखेंगे एक एग्जाम्पल से उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका रेंज निकालते हैं यस रजिस्टर साइज में स्मॉल होते हैं इसलिए उनका वैल्यू उस पर नहीं लिखा जा सकता है कावेरी प्रजापति इसलिए हम कलर कोडिंग का प्रयोग करते हैं यस yes, जिसको हमने बोला बताया यहीं पे वही चीज को आपने लिखा है वेरी गुड सो इट इज ए मेजर ऑफ द द रजिस्टर मेड अप कितने प्रिसाइज वैल्यू से उसको रजिस्टर को बनाया गया है हाँ डी जो है वो टोलरेंस बताती है गौरव डी जो बैंड है वो टोलरेंस को बताता है इफ़ द फोर्थ बैंड इज नॉट प्रजेंट द टोलरेंस इज अज्यूम टू बी प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट ये भी नोट डाउन करने वाली बात है अगर चौथा कलर नहीं है नो कलर है तो टोलरेंस प्लस माइनस बीस परसेंट है अदरवाइज प्लस माइनस पाँच परसेंट से प्लस माइनस बीस परसेंट तक जाएगा प्लस माइनस पाँच परसेंट गोल्ड के लिए प्लस माइनस दस परसेंट सिल्वर के लिए प्लस माइनस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर रजिस्टेंस वैल्यू में वो जो जो आएगा उसका पाँच परसेंट क्या करेंगे अगर पाँच परसेंट एग्जाम्पल के तौर पर लें तो पाँच परसेंट उसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे और पांच परसेंट उसमें प्लस कर देंगे तो इसमें एक पर्टिकुलर रेंज मिल जाएगा माइनस से प्लस की ओर उसको एक एग्जांपल के तौर पर देखा जा सकता है तो देखिए ये रेजिस्टेंस कलर कोडिंग का टेबल है ये अगर फॉर एग्जांपल ये पहला डिजिट है ये दूसरा डिजिट है ये मल्टीप्लायर डिजिट है तीसरा डिजिट और ये चौथा हुआ है तो बैंड की बात करूँ तो ये पहला बैंड ये दूसरा बैंड ये तीसरा बैंड ये चौथा बैंड तो ये विप्लव बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन चाहिए करके तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ठीक है अभी मैं क्वेश्चन नहीं किया हूँ मुझे लगा कि आप लोग को पूरा सब अच्छे से पता है करके है ना तो ये अपना जो है ब्लैक है ब्राउन है रेड है ये बी बी लिख सकते हैं बी बी आर रेड है ऑरेंज है ओके okay, अगर इस टाइप का दिक्कत होता है तो बीबी रॉय वाला लिख सकते हैं अभी आएगा बीबी रॉय वाला कैसे याद करेंगे करके है ना बी ब्लैक बी ब्राउन आर ओ वाई रॉय आर का मतलब रेड ओ का मतलब ऑरेंज वाई का मतलब यो अब ग्रीन बीबी रॉय अब ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वेरी वायलेट गुड ग्रे ये आपका ग्रे है वेरी गुड वाइफ फिर डब्लू का मतलब होता है वाइट तो ये अपना अलग अलग बैंड है अभी देखेंगे इसको कि मेमोराइज़ कैसे करेंगे इसको मेमोराइज किया जाएगा ठीक और दूसरा ये क्योंकि ये कलर का सिक्वेंस है इस कलर को सिक्वेंस को याद करने के लिए आप भी जो है याद की होगी ये लिखा हुआ है मैंग भारतवाज वेरी गुड बी बी रॉय आप ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइट ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट वेरी गुड मैंग ठीक है ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइप यस विप्लव दत्ता वही बोल रहे हैं अभी इसको हम लोग अभी याद करेंगे मैंगवरतवाज तो वेरी गुड वेल well डन ठीक जूम आउट करते हैं अब देखते हैं एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लेके एग्जांपल के तौर पे ठीक तो ये देखिए ये पहला बैंड है ये दूसरा बैंड है ये तीसरा बैंड है ये चौथा बैंड है ये एग्जांपल है ग्रे ब्लू गोल्ड गोल्ड ग्रे में देखेंगे तो ग्रे अपना जो है पहला बैंड है तो पहला बैंड ग्रे देखिए ग्रे आठ आया पहला बैंड से दूसरा बैंड ब्लू है ब्लू आया सिक्स दूसरा बैंड से तो इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड रिप्रेजेंट से द फर्स्ट एंड सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया एट और सिक्स इसको अगर मैं पहला बैंड को ए से डिनोट करूँ दूसरा बैंड को बी से डिनोट करूँ तो एक फार्मूला बनेगा भी देखेंगे फार्मूला कैसे बनता है और ये तीसरा ये लिखा हुआ है कि इन द केस थर्ड बैंड इज गोल्ड अगर तीसरा बैंड गोल्ड है तो गोल्ड में देखिए मल्टीप्लायर है गोल्ड में देखिए मल्टीप्लायर है तो गोल्ड में अपना जो रहेगा ये देखिए गोल्ड ये गोल्ड ये गोल्ड में इंटू जीरो पॉइंट वन इसलिए टेन टू पावर माइनस वन जीरो पॉइंट वन का मतलब होता है टेन टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन बोल सकते हैं तो टेन टू पावर माइनस वन है तो इसको मैं अगर सी से डिनोट करूं दशमलव के हिसाब से तो ये हो जाएगा इसको मैं सी से डिनोट करूं तो ए बी इन कर देंगे इसमें क्योंकि इसके साथ कैरी करता है टेन का पावर सी टेन का पावर सी कर देंगे और चौथा बेंड को अगर डी से डिनोट करूँ तो डी को लिख सकता हूँ प्लस माइनस डी तो अगर इसका मैं फार्मूला बोलूं तो फार्मूला लिख सकते हैं आप ए बी इंटू टेन टू पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट होपफुली ये पॉइंट क्लियर है ए बी इंटू टेन टू पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट इसी टाइप का आप इसका यूज़ करेंगे जहाँ पे ए जो है पहला बैंड है बी जो है दूसरा बैंड है सी जो है तीसरा बैंड है और डी जो है चौथा बैंड है तो ये इक्वेशन हो गया ए बी इंटू टेन टू पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट होपफुली तो क्लियर है ये तो देखिए इसी को फिर देखते हैं कि इन केस द थर्ड बैंड इज गोल्ड अगर तीसरा बैंड गोल्ड है तो देखिए गोल्ड के मामले में होता है इंटू जीरो पॉइंट वन यार्ली लिख सकते हैं इंटू जीरो पॉइंट इंटू टेन टू पावर माइनस वन उसी को लिखा है टेन टू पावर माइनस वन ये और गोल्ड का मतलब फिर से गोल्ड है कलर तो गोल्ड का मतलब होता है प्लस माइनस फाइव परसेंट तो गोल्ड ये है अपना प्लस माइनस फाइव परसेंट तो टोलरेंस का रेंज है प्लस माइनस फाइव परसेंट प्लस माइनस फाइव परसेंट ये टोलरेंस है इसको इरेज कर दूँ अगर इन लोग को तो ये प्लस माइनस फाइव परसेंट ठीक है ये हो गया अपना टोलरेंस प्लस माइनस फाइव परसेंट तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एटी सिक्स इंटू जीरो पॉइंट वन ओम प्लस माइनस फाइव परसेंट फाइनल आंसर आया इसका एट पॉइंट सिक्स ओम प्लस माइनस फाइव परसेंट तो इसका जब पांच परसेंट प्लस माइनस निकालेंगे तो पांच परसेंट आप एट पॉइंट सिक्स निकालेंगे तो ये जीरो पॉइंट फोर थ्री आएगा तो एट माइन एट एट पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट फोर थ्री ये पहला रेंज आएगा और एट पॉइंट सिक्स प्लस ज़ीरो पॉइंट फोर थ्री ये दूसरा रेंज आएगा तो इन दोनों के रजिस्टेंस के बीच का रेंज रहेगा उसका होप फुली क्लियर है होप फुली क्लियर है एक आध क्वेश्चन आप लोग को लास्ट में मिल जाएगा जैसे कि बोल रहा है विप्लब उसका आंसर दे दीजिएगा आप दो क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा उसका आंसर दे दीजिएगा आप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तीन बैंड का रजिस्टर फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए तीन बैंड का रजिस्टर है ये थ्री बैंड रजिस्टर का जो कलर कोडिंग है इसमें फर्स्ट बैंड जो है ये अपना फर्स्ट बैंड है सेकेंड बैंड है सेकेंड बैंड है, है सेकेंड जो फर्स्ट बैंड में ब्लैक अपसेंट रहता है ब्लैक रहता नहीं है सेकेंड बैंड है ये थर्ड बैंड मल्टीप्लाई करता है और इसका जो टॉलरेंस है बाई डिफॉल्ट प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट रहता है तो थ्री बैंड रजिस्टर का टोलरेंस कितना रहता है बोलने से प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट होता है थ्री बैंड रजिस्टर का जो टोलरेंस है प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट होता है तो ये देख लो यहाँ पे इसका जो है भूरा है तो भूरा मतलब एक तो यहाँ पे एक लिखा है ये दूसरा में काला है तो काला मतलब जीरो तो यहाँ जीरो लिखा है और तीसरा फिर से भूरा है तो भूरा मतलब इसमें टेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए सॉरी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिए ये भूरा ही होगा इन टू टेन टू पावर वन है ये है ना तो ये हो जाएगा टेन ओम ये हो जाएगा टेन ओम तो ये टेन ओम इसको निकाल दिया प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट फॉर थ्री बैंड चार बैंड के लिए हम लोग देखा ये दिखने में कुछ स्टैप के होते हैं जूम करके दिखा दे रहे हैं रजिस्टर नहीं देखे होंगे तो रजिस्टर एक बार गूगल करके भी दे सकते हो रजिस्टर देखने में कुछ स्टैप के होंगे जिसमें कलर कोडिंग है डिफरेंट डिफरेंट ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कलर कोडिंग का प्रयोग किया जाता है प्रशांत दुबे गुड मॉर्निंग तो ये कलर कोडिंग चलिए आगे बढ़ते हैं चार बैंड रजिस्टर है फोर बैंड रजिस्टर्स तो फोर बैंड रजिस्टर अभी देखे हम लोग फोर बैंड रजिस्टर ये कलर है ये पहला बैंड ए बैंड बी बैंड सी बैंड डी बैंड तो ये बोल सकते हैं ए बी इन टू टेन टू पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट ओके सो दिस इज जाले अबाउट चार्ट चौथा बैंड का आगे देखते हैं इज देयर एनी इजी वे टू रिमेंबर कलर या इन सब कलर को याद करने का कोई इजी वे है तो जो मयंक भारद्वाज ने अभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया बीबी रोया रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइब उसी को फिर से हम देखेंगे कि लेट्स एब्सोल्युटली है इसमें इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वाट कलर दे आर आर इन रजिस्टर कलर कोड्स ट्राई दिस मेथड अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है कि कौन से कलर कैसे याद करें करके तो आप क्या करें कलर कोड्स जो बेसिकली कलर के जो नंबर्स हैं कलर कोड्स हैं जो बी अपना जो है बी फार जो है ब्लैक बी फार ब्राउन आर फार रेड ओ फार ऑरेंज ओ फार ऑरेंज वाई फार येल्लो जी फार ग्रीन बी फार ब्लू वी फार वायलेट और जी फार ग्रे और डब्लू फार वाइट तो ये अपने कलर्स हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं तो इन कलर्स को कैसे याद करें बोलने से इसका जो है कुछ टाइप का तो बड़ा बड़ा कैपिटल कैपिटल देखेंगे बी इरेजर ले लेते हैं देखिए लाइन टू लाइन बी पहला बी दूसरा फिर से बी कैपिटल वाला बी बी आर रेड बाकी ये सब दोनों नहीं लेना है ध्यान रखे ये भी नहीं लेना है अब सीधा ये सॉरी ये जो है अपना एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रॉय का तीनों चीनों दिखना है इसमें जो है ये 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 जो है मिस्टेक कर दिया है ये कुछ इस टाइप का होगा ये जो रॉय है ये रॉय ऐसा होगा एक ऑरेंज रॉय का पूरा रॉय है आप आपको नहीं लेना है जी फॉर ग्रीन बी फॉर ब्रिटेन हैज ए को नहीं लेना है वी फॉर वायलेट जी फॉर गुड और डब्ल्यू फॉर वाई ठीक होपफुली फुल क्लियर है यस यस फर्स्ट लेर ये जो है दूसरा नाम गौरा जो बोल रहा है कि दूसरा भी इसका ये जो है अब ले सकते हैं प्रेस तो इसका जो मेन प्रेस हो जाएगा बी बी रॉय आप बाकी तो सही है ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइट एक बार काउंट कर ले रहे हैं किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो करके। ये पहला कलर ये दूसरा कलर ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवा आठवा, ये नौवा ये दसवा। सो लेट काउंट इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यस ये देखिए जो भी कैपिटल लेटर है उस कैपिटल लेटर को लेना है बाकी सबको छोड़ देना है होपफुली क्लियर है ये होपफुली क्लियर है रोहन सिंह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रोहन सिंह अश्विनी प्रजापति गुड मॉर्निंग समय से ज्वाइन करेंगे तो हमको खुशी होगी समय से ज्वाइन कीजिएगा रोहन सिंह ठीक है डेली डेली क्लास चलती है ये अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपका अप, अप, ब्रांच मेरे को पता नहीं है वैसे ठीक है चलिए अगर आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप रोहन सिंह वेरी गुड स्टे हैप्पी स्टे फोकस्ड ऐसे ही खुश रहिए मस्त रहिए चलिए तो क्लियर है चलिए बैंड को एक बार देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में फोर फाइव सिक्स बैंड जो है अपना ये फोर बैंड देखिए फिफ्थ बैंड सिक्स बैंड देखिए तो जो पा, जो पांचवा बैंड है उस पांचवा बैंड में भी मल्टीप्लायर उसमें पांचवा बैंड में तीन जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं पांचवा बैंड के ऊपर जो है कंसेंट्रेट कीजिए फिफ्थ बैंड तो फिफ्थ बैंड में जो है पहला दूसरा तीसरा भी ले लेंगे तो फिफ्थ बैंड का जो है फोर्थ बैंड के लिए जो एक जो इक्वेशन था वो हो जाएगा ए बी इंटू टेन टू पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट ठीक फाइव बैंड के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा वो जाएगा ए बी सी इंटू टेन टू पावर डी प्लस माइनस ई परसेंट ठीक है अगर इसको मैं ए डिनोट करूँ इसको बी डिनोट करूँ इसको सी डिनोट करूँ इसके डी इसको ई e, इसको एफ डिनोट करूँ और सिक्स बैंड में जो फार्मूला हो जाएगा वो जाएगा ए बी सी इंटू टेन टू पावर डी प्लस माइनस ई परसेंट और उसके बाद जो एफ़ है वो है अपना टेम्परेचर कोफिशेंट तो एफ विल डिनोट टेम्परेचर कोफिशियन एम टी सी बोल सकते हैं एप टेम्परेचर कोफिशेंट डिनोट करता है छः बैंड की बात करूँ तो तो फुली क्लियर है चार बैंड के लिए फार्मूला बोलने से ये पाँच बैंड के लिए फार्मूला बोलने से ये और छ बैंड के लिए फार्मूला बोलने से ये ओके तीन अलग अलग है अच्छा आपका ब्रांच एम ई एम है चलिए कोई बात नहीं ठीक है बट ये जो कंपोनेंट्स वगैरह आप भी देख सकते हैं इसका ठीक एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास हमारी चलती है शाम में आप ज्वाइन कर सकते हैं नो इशू ठीक है ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए ओके ठीक है तो ये चार बैंड के लिए पांच बैंड के लिए छह बैंड के लिए अलग अलग कोडिंग जो है हम लोगों ने देखा आगे बढ़ते हैं कलर कोडिंग आप रजिस्टर तो कलर कोडिंग आप रजिस्टर फिर से अपना कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स रिक्वाइर्ड में वाइड रेंज फ्रॉम वेरी फ्यू ओम से लेकर के ओम तक तो नॉर्मली जो अपना कलर कोडिंग जो रहता है जो रजिस्टर का उसमें कुछ ओम से लेकर के बीस मेगा ओम तक हम लोग उपयोग करते हैं तो बोल रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द सर्किट इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज रजिस्टर ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू तो रजिस्टर के एग्जैक्ट वैल्यू को उपयोग करने की जरूरत नहीं है जिस्टर इन ए सर्किट ए वैल्यू विच डिफर फ्रॉम द डिजायर या फिर डेजिग्नेटेड वैल्यू बाय एस एच ट्वेंटी परसेंट दर्किट स्टिल अगर बीस परसेंट का भी डिफरेंस है बीस परसेंट के आसपास का डिफरेंस इसलिए टोलेंस लिया जाता है पांच ले से लेकर के बीस परसेंट का तो पांच से लेकर के बीस परसेंट अप टू ट्वेंटी परसेंट का भी अगर डिफरेंस है तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर वर्क करेगा वो पर्टिकुलर रजिस्टर वर्क करेगा बीस परसेंट का अगर उसके मान में कुछ अंतर अंतर है तो भी वर्क करेगा फॉर एग्जाम्पल 100 ओम है ठीक तो 100 ओम का बीस परसेंट हो गया अपना बीस ओम तो बीस ओम का प्लस माइनस करूं तो अस्सी से लेकर के एक सौ बीस ओम ओके तो एग्जैक्टली सौ ओम के रजिस्टर की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली सौ ओम के रजिस्टर की जरूरत नहीं है चीज़ को ध्यान दीजिएगा चीज़ को समझिएगा सौ ओम के रजिस्टर की जरूरत नहीं है अस्सी से लेकर के एक ओम का रजिस्टर भी काम कर जाएगा अस्सी से लेकर के एक ओम का रजिस्टर भी काम कर दिया जाएगा उसी को बोल रहा है ये कि इसको एक बार इरेज कर रहा हूं रुकी ये बोल रहा उसी को का उपयोग करने का जरूरत नहीं है even if register, देखा भी ट्वेंटी परसेंट अगर सौ ओम का ट्वेंटी परसेंट लू अगर सौ ओम का ट्वेंटी परसेंट लिए तो सौ ओम का ट्वेंटी परसेंट आया ट्वेंटी ओम जो कि ट्वेंटी परसेंट है सौ ओम का तो इसको अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा अस्सी ओम से लेकर के एक सौ बीस ओम तो अस्सी ओम से लेकर के एक सौ बीस ओम का भी अगर रजिस्टर लगा तो मैं उस पर्टिकुलर सर्किट में जहाँ सौ ओम का जरूरत है बोल रहे हैं तो भी वो काम करेगा इसका मतलब ये है इस पॉइंट का मतलब ये ओके देअर फोर इट इज नॉट नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर रजिस्टर आप ऑल पॉसिबल वैल्यू इसलिए पूरे के पूरे हर टाइप के वैल्यू के लिए रजिस्टर मैन्युफैक्चर करना जरूरी नहीं है इट इज नॉट ने टू मैनुफेक्चर रजिस्टर्स आ पाल पॉसिबल वैल्यू तो सभी के सभी पॉसिबल वैल्यू के रजिस्टर को मैनुफैक्चर करना जरूरी नहीं है सो so, कुछ रजिस्टर्स हैं ओम में किलो में मेगाओ में जो पर्टिकुलर मार्केट में मिलते हैं जो पर्टिकुलर मार्केट में मिलते हैं इसके आसपास के रजिस्टर भी हम लोग जाते हैं वन ओन वन टू वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट एट टू पॉइंट टू टू पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट नाइन फोर पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट सिक्स आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं दस बारह पंद्रह अपटू एटी फिर किलोम में एक किलोम दस किलोम सौ किलोम टू किलोम है ना तो अगर इसके बीच का भी कोई वैल्यू चाहिए तो ये सब रजिस्टर बीस परसेंट के टोलरेंस के साथ वर्क कर जाएंगे मेगाओम में चाहिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर मार्केट में अवेलेबल ओके okay. आगे बढ़ते हैं वेरिएबल रजिस्टर वो सब फिक्स रजिस्टर थे अब देखते हैं वेरिएबल रजिस्टर जिनका मान परिवर्तित हो सकता है तो वेरिएबल रजिस्टर तो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सम टाइम इट इज बिकम नेसेसरी टू एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस तो कभी कभी किसी किसी सर्किट में उसका जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू है उसको जरूरत हो जाता है आवश्यकता पड़ता है कि हम उसको एडजस्ट करें तो फॉर एग्जांपल इट इज ऑफन डिजायर टू चेंज द वैल्यू मा लॉर्डनेस ऑफ साउंड द ब्राइटनेस ऑफ टेलीविजन पिक्चर तो पहले के पहले वो में जो होता है ब्राइटनेस वगैरह चेंज करने के लिए होता है तो बेसिकली वो क्या करता है रजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है उसमें हम लोग रजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं जिसके थ्रू हमारा जो लाउंडनेस है वैल्यूम है आवाज़ जो है टी का वो तो चेंज होता है, है ना तो ये एक उदाहरण है सच एडजस्टमेंट सच सच एडजस्टमेंट कैन बी डन बाई यूजिंग वेरिएबल रजिस्टर तो ये सब एडजस्टमेंट वेरिएबल के द्वारा किए जाते हैं वेरिएबल रजिस्टर का प्रयोग करके ये सब एडजस्टमेंट किए जाते हैं दो दो वेरिएबल रजिस्टर यूजली कॉल्ड रेस्टेड ठीक है नॉर्मल रूप से इसको भी कहा जाता है स्मॉलर वेरिएबल रजिस्टर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर पोटेंशियोमीटर तो जो स्मॉलर वैल्यू के रजिस्टर होते हैं उसको जो है पोटेंशियोमीटर में मोर जाता है जिसको शॉर्ट जाता है है पॉट्स पॉट्स पी ओ टी टी एस दैट इज पोटेंशियोमीटर ठीक दत्ता एन एस सी पाल टेलीविजन का वीडियो ठीक है एन टी एस सी पाल ठीक है हमने नोट डाउन कर लिया आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा ओके एन टी एस सी पाल टेलीविजन ठीक है दत्ता तो इसको जो है जनरली क्या बोला जाता है पॉट्स बोला जाता है जो कि स्मॉलर वैल्यू के रहते हैं नॉर्मली तो ये कनेक्टिंग लेब रेवस्टेड तो रेवस्टेड का जो स्ट्रक्चर कुछ इस टैप का होता है देखिए जूम करके दिखा रहे हैं ए पॉइंट बी पॉइंट दिया है सी पॉइंट दिया है डी पॉइंट दिया है तो रेवस्टेड जो है कनेक्ट एट पॉइंट ए एंड सी डायगोनल कनेक्शन पॉइंट ए और सी के बीच में हम लोग क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे जो भी चीज है उसको ए और सी में डायगोनल कनेक्ट होता है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द रिस्टेंस आप स्टेट पुश द स्लाइडर टू द राइट ये स्लाइडर है इस स्लाइडर को राइट right की तरफ हम लोग स्लाइड करेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चेंज होता है ये स्लाइडर है ये स्लाइडर है तो स्लाइडर का वैल्यू को चेंज करके हम लोग क्या कर मीन्स स्लाइडर के पोजीशन को चेंज करके हम लोग इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं लाइक वाइज डू इंक्रीज डिक्रीज रिस्टेंस पुश द स्लाइडर टू लेफ्ट अगर इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगा अदर इसको राइट right की तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा इफ यू वान टू जीरो आपको जीरो रजिस्टेंस चाहिए तो पूरे पूरे स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ कर दीजिए अगर ये स्लाइडर यहाँ पे रहेगा तो पूरा पूरा रजिस्टेंस जीरोक्ट आप द स्लाइडर टचेज द लेफ्ट सिल्वर डी सरफेस तो ये जो मेटल कॉन्टेक्ट है इसके सिल्वर का जो सरफेस है उसको कॉन्टेक्ट में टच करता है ये बेसिकली एक टाइप का क्रेस्टेड है जिसमें इसका वर्किंग दिया हुआ है उसी टाइप के पोटेंशियोमीटर है वो रियोस्टेट था ये पोटेंशियोमीटर मीटर है पोटेंशियो देख लो पोटेंशियोमीटर अगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो गए फाइनल ईयर में है तो कुछ कुछ उपयोग होता है मेजर प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट में तो ये इमेज आप पोटेंशियोमीटर है ये तीन प्रकार के लीड है इसमें देख पा रहे हो पोटेंशियोमीटर और ये घुमाने का नॉब है तो ये नॉब बेसिकली वाइपर है तो ये वाइपर को इसको घुमाएंगे नॉब को घुमाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो ये वाइपर है बेसिकली अंदर से लगा हुआ है इसके तीन टर्मिनल दिए हुए हैं ये ये तीनों टर्मिनल है समझ लो ए डब्ल्यू बी

तो इन दोनों के बीच में एक जो है अपना क्या बोलते हैं इन दोनों के बीच मेजर करेंगे और W क्या है वाइपर है वाइपर चेंज करेंगे एक बेसिकली ग्राउंड है है ना तो ये वाइपर से इसको चेंज करेंगे और ये रजिस्टिव मटेरियल है ओके तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप तीन मीटर बोलने से यही इसके कितने पॉइंट बोलने से तीन पॉइंट ए डब्लू बी आगे प्रीसेट एक एक टाइप का है तो का है है। पोटेंशियोमीटर होता ये थ्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कैन बी मेड टू वेरिएबल इन ए सर्किट। सिलेबस पार्ट इसलिए इसको भी एक छोटा सा टॉपिक ले लिया गया है उस रोटरी को वेरी करेंगे वाइपर के साथ चेंज होगा द एडजस्टमेंट द एडजस्टमेंट कैन बी डन बाई यूजिंग ए स्मॉल स्क्रू ड्राइवर और ए सिमिलर टूल तो एडजस्टमेंट को डन करने के लिए स्माल का स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेंगे या उसी से रिलेटेड कोई दूसरा टूल का भी उपयोग कर सकते हैं द रजिस्टेंस दज नॉट वेरी लीनियरली बट रेदर वेरीस इन एक्सपोनेंशियल और लॉगोरेथमिक मैनर तो जो जो इसका रजिस्टेंस है वो लीनियर वे में वेरी नहीं करता है लॉगोरेथमिक या एक्सपोनेंशियल वे में वेरी करेगा सच वेरिएबल रजिस्टर आर कॉमनली यूज बाई यूज फॉर एडजस्टिंग सेंसिटिविटी अलॉन्ग विद ए सेंसर तो सेंसर के साथ इसका सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए उसका यूज होता है तो ये दिस इज बेसिकली प्रीसेट दिस इज बेसिकली प्रीसेट तीन प्रकार के इसमें भी टर्मिनल होते हैं और इसको स्क्रू ड्राइवर के सहायता से क्या किया जाता है इसको घुमाया जाता है या उसी टाइप का को कोई दूसरा टूल करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस वेरी होगा सो दिस इज प्रीसेट आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन आपका है बट समेर इलिमेंट वाइल कार्बन फिल्म इलिमेंट तो कभी कभी इसमें वायर उत है और किसी किसी में कार्बन फिल्म का भी प्रयोग किया जाता है जिसका उपयोग इसके लिए किया जाता है तो इसमें बेसिकली

एंड कुल सर्किट बुक, तो बुक बता देना बुक टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगा बुक का पी डी एफ दर आर थ्री टर्मिनल्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ ए पोटेंशियो मीटर दर टू आर द एंड पॉइंट ऑफ द रिस्टेंस एलिमेंट एंडल लीज टू दी रोटेटिंग कॉन्टेक्ट जो मिडिल है वो रोटेटिंग कॉन्टेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और जो है दो जो है आपका जो टर्मिनल है ए बी टर्मिनल बोल सकते हैं बीच वाले को वाइपर वाला बोल, बोल सकते हैं ठीक ये सिंबल है

ये जो फॉर्मल जो लपेटा गया है लीनियर टाइप में ये यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म टाइप का है ये कुछ इस टाइप का रहेगा जिस जिसपे लपेटेंगे और ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है नॉन लीनियर टाइप का है तो ये फॉर्मर नॉन यूनिफॉर्म है जो फॉर्मर है जिसपे वायर लपेटे हैं ये वायर लपेटा गया है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है तो इसी सो इट इज दस नॉन लीनियर टाइप इसमें रेजिस्टेंस नॉन लीनियरली होगा और इसमें लीनियर वे में बढ़ेगा ठीक आगे देखो टाइप द हाइट ऑफ फॉर्मर इज नॉट यूनिफॉर्म जैसे कि हम लोगों ने देखा भी उसमें नॉन यूनिफॉर्म होगा टू मेक अशियल मीटर ऑफ दिस टाइप अ टेपरिप इज टेकन एंड द रेस्टेंस वोरिंग एनिफॉर्म पिच द स्ट्रीप इज बेंड इन टू द राउंड शेप जैसे कि डाग्राम में दिया हुआ है टेपर डिस्ट्रिप गॉन लिनियर वेरियशन ऑफ रजिस्टेंस विद द रोटेशन ऑफ द मूविंग कॉन्टेक्ट जैसे इसमें रोटेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा नॉन लीनियर देगा उसका जो वैल्यू होगा नॉन लीनियर होगा लीनियर वे में चेंज नहीं होगा प्रतिरोध का वैल्यू लीनियर वे में चेंज नहीं होगा द स्ट्रिप कैन बी टेपर्ड सुटेबली सो एज टू ऑपटेन ए डिजायर्ड वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट रोटेशन ऑफ मूविंग कॉन्टेक्ट द पॉट यूज डेल्यूम कंट्रोल इन साउंड इक्विपमेंट आर जनरली मेड ऑफ लॉन लिनियर टाइप एम्पलीफायर गेन कंट्रोल पोटेंशियोमीटर यस गौरव गौरव मिल जाएगा आपको ठीक है पीडीएफ मिल जाएगा आपको ये बुक का पीडीएफ मिल जाएगा द स्ट्रिप कैन बी टेपर डिजायर्ड वेरिएशन इन रजिस्टेंस पर यूनिट रोटेशन ऑफ मूविंग कॉन्टेक्ट सो द पॉट्स यूज एज ए वॉल्यूम कंट्रोल इन साउंड इक्विपमेंट आर जनरली कौन से टाइप का नॉन लीनियर टाइप का ध्यान रहे नॉन लीनियर टाइप का प्रयोग किया जाता है ये यूनिट खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज निकालेंगे उसमें 30 से जो है 50 क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा

रजिस्टर इज ए वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर इसका नाम ही है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर ऐसा रजिस्टर जो वोल्टेज के ऊपर करे सो द रजिस्टेंस ए रेस्टर इज जो रजिस्टेंस होता है, है परिवर्तनशील होता है और डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अपलाइड और किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर अप्लाई किए गए वोल्टेज के ऊपर द वर्ड इज कम्पोज दर्ल्ड वेरिएबल रजिस्टर और यहीं से आया वेरिस्टर वेरिएबल रजिस्टर ओके okay, वेरिएबल रजिस्टर रजिस्टर वेरिएजिस्टर ठीक ये इसका सिंबल है आई ट्रिपल स्टैंडर्ड सिंबल बोले तो और आई सी जो है स्टैंडर्ड सिंबल बोले तो कुछ इस टाइप का ओके और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट अपने पैकेज बोल सकते हैं ये कभी डिस्क टाइप का होता है ब्लॉक टाइप का ऐसा दिखता है रेडियल लीडेड टाइप का ऐसा दिखता है एक्सीएल लीडेड टाइप का ऐसा दिखता है तो अलग अलग पैकेज हैं इसके अलग अलग रूप हैं अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके कैसे दिखते हैं करके वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर एप्लीकेशन ऑफ वीडीआर वीडीआर विडीआर कुछ एप्लीकेशन है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर कौन कौन से एप्लीकेशन है बेसिकली टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन लाइन प्रोटेक्शन में रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ट्रांजिट जो है सप्रेशन में केबल टीवी में कभी कभी यूज होता है इसका पावर सप्लाई प्रोटेक्शन माइक्रोप्रोसेसर प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोटेक्शन लो वोल्टेज बोर्ड लेवल प्रोटेक्शन ट्रांजिएट वोल्टेज सर्ज सप्रेसर इसको जो शॉर्ट में बोलेंगे टी वी एस 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 जो ट्रांजिएंट वोल्टेज रहेगा उसको सर्ज सप्रेसर टीवीएसएसएस टीवीएसएस एस कार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल हाई एनर्जी एसी सी प्रोटेक्शन जो पॉइंट याद है उसको आप पॉइंट लिख दीजिएगा अगर ये पांच नंबर में आए बेसिकली वी ओके उसके हिसाब से अपना लेंथ आप लोग बताइए मतलब लेंथ बनाइएगा उसी हिसाब से जो चीजें याद रहे उसको आप लिख दीजिएगा कि एप्लीकेशन क्या कहाँ होता है सो यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर होपफुली चीजें समझ में आई होंगी कुछ अगर डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं किसी के मन में कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछ सकते हैं एनी डाउट सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बहुत जल्दी इसमें हम लोग देखेंगे एल एंड सी इंडक्टर एंड कैपेसिटर हाँ क्वेश्चन बताओ भाई विप्लव हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन कलर कोडिंग के क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए इसको आप कलर कोडिंग इसमें आपका इसको फाइंड आउट कीजिएगा वन और टू रेड ऑरेंज येलो गोल्ड और दूसरा लिख दीजिए ब्राउन रेड गोल्ड सिल्वर डू कमेंट प्लीज फाइंड आर वेल्यू रजिस्टेंस वेल्यू फाइंड कीजिए रेड ऑरेंज येलो गोल्ड ब्राउन रेड गोल्ड सिल्वर आप लोगों ने लिख दिया नोट डाउन कर लिया प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसको दोनों को कमेंट करेंगे लास्ट क्लास में देखेंगे इसका आंसर देखेंगे लास्ट क्लास में विप्लबदत्ता नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देखा जाएगा आप इसको बना के रखिएगा ठीक है आपने अभी तुरंत कर लिया ठीक है कोई बात नहीं अच्छी बात है आप जो करके रखिए आप करके रखिए रेंज भी निकाल के रखिए विप्लबत्ता प्लस माइनस फाइव परसेंट को जो है उसका कैलकुलेट करके रेंज निकाल के रखिए रेंज बताइएगा रेंज बताइएगा आर यहां से यहां तक आर टू आर यहां से इतना ओम से इतना ओम इसको भी फाइंड आउट करके रखिएगा ओके होपफुली क्लास समझ में आया होगा और कुछ क्लास रिलेटेड डाउट हो तो बताइएगा सो हैप्पी लर्निंग स्टे फोकस्ड एंड कनेक्टेड बाय यूट्यूब चैनल धरिया क्लासेज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स वीडियो अगर तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक में कोई कंजूसी नहीं लाइक like कर दीजिए कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए जैसे कि विप्लव ने बोला है कि पाल सिस्टम और एन एन एस सिस्टम एन टी सिस्टम, सिस्टम, आने वाले क्लासेस में दिख जाएगा उसका वीडियो आपको हाँ कल क्लास होगा विप्लव कल इसी टाइम पे क्लास होगा दस बजे सब्जेक्ट हम बता नहीं पाएंगे सब्जेक्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली अब जो है मेजरमेंट का होगा कल और परसों माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो का होगा

सो यू वेरी मच अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक छात्र से अधिक छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकें और जो भी डाउट्स वगैरह हो होगा जो भी कुछ होगा तो बताइएगा उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा ओके थैंक यू ओके सभी को थैंक यू